हम बैक टू आवर चैनल। आज मैं एक न्यू स्टोरी लेके वाली है। यूनिक स्टोरी है और छोटी सी स्टोरी है। इतना मुझे पता है कि छोटी है, वाले कितने पार्ट्स बनेंगे इतना मुझे भी नहीं पता। और वैसे मैं वैसे ही छोटे छोटे पार्ट्स अपलोड करके इतने सारे पार्ट्स बना लेती हूँ। वेल ये स्टोरी मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है ये स्टोरी। तो स्टोरी का नाम तो आपने पढ़ लिया होगा। तो अब स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है, हमें पता चलता है कि जिमे जो कि वो है माफिया किंग है। ठीक है गाइस, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी। और जो हमारा जोगी है वो एक बिजनेस मैन है, इसलिए बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आगे। अच्छा तो अब हम देखते हैं, और जो हमारा जीवन है वो एक बिजनेस मैन भी है और वो नंबर वन बिजनेस मैन है। और जो योगी है वो नंबर टू पे आता है। बट जो जिमी है उसका ज़्यादा इंटरेस्ट ना बिजनेस में नहीं है, उसका ना ज़्यादा इंटरेस्ट ही माफिया थिंग में है। और उसके फादर ने उसको फोर्स किया हुआ है कि तुम आना बिजनेस संभालो, क्योंकि वो ना किसी तरह चाहते हैं कि जिमी के ना काफ़ी ज़्यादा कोशिशों में लगे रहते हैं किसी तरह जो जिमी नहीं है माफिया वर्ल्ड को छोड़ दे। इस वजह से उसको ना वर्क में लगा रहे हैं ताकि जब वो नहीं यहाँ सेटल हो जाए तो वो ना तब तक ना वो किसी तरह ना उसको वो कर ले, हटा ले माफिया वर्क से। और उसके बाद वो ना आराम से बिजनेस पे टेक ओवर करके उसमें ना बिजनेस की जो फील्ड है उसमें आगे जा सके। और जो मिस्टर पार्क है एक्चुअली वो है नंबर वन बिजनेसमैन, और अभी उन्होंने फोर्सफुली जो जिमिन को बना दिया है CEO। पर जो जिमिन था बनना नहीं चाहता था, और आज उसके और ना जो फादर है उसको ना फर्स्ट क्लाइंट मतलब कि एक तरह से जो डील है वो ना जिमिन के हाथ देते और कहते कि इस डील को तुम्हें करना है, और मैं इस डील की जो चाहता हूँ कि ये डील हमें मिले तो इसके लिए तुम जाने वाले समझ जाए। तो फिर जो जिमिन होता है वो अनॉइड फेस बनाता और कहता है फादर आपने अभी अभी बोला है कि ये डील आपको चाहिए तो फिर आपको खुद जाना चाहिए ना, क्योंकि मैं तो ये डील नहीं लूँगा, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि ये डील मुझे मिलेगी, मैं इसकी कैपेबल तो रही हूँ। वेल क्योंकि मुझे इस बिजनेस फील्ड के बारे में ज़्यादा नहीं पता, वो लग रहा था कि आपने मुझसे ज़बरदस्ती इसकी स्टडीज करवाई है फिर भी मुझे इस ना इन चीज़ों की समझ नहीं आती। और दूसरी बात ये कि अगर कुछ भी हुआ तो आप मुझे कहेंगे नहीं, क्योंकि अब आप मुझे फोर्स करें, अगर कुछ भी हो तो आप मुझे ज़रूर कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक है उससे बोलते, और फिर ना अपने फादर को ऐसे देखता तो फिर उसके फादर होते वो ना एक गहरी सांस लेते हो गया ओके फाइन ठीक है मैं तो फिर ना कम से कम तो मान तो गया। तो फिर ये सुन के ना जो है तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ उससे देखे ना फादर अब मुझे डील मिलने वाली भी होगी ना तभी मैं ये डील ले लूँगा, वो ये सोचता और एक्सपेक्ट करता है। उसको ना एक्चुअली अपने फादर को तंग करने में बहुत ज़्यादा आता है, वो अपने फादर से डरता भी बहुत ज़्यादा है। वो एक्चुअली इसलिए कर रहा है कि ये जो डील है इसके फादर को चाहिए और ये किसी तरह कैंसिल हो जाए तो फादर इसको गुस्से में आके ना जिमिन को अब आगे ना और बिजनेस में वर्क करने ही ना दे, वो इसलिए ये सोच रहा होता है। और उसके बाद हम देखते हैं जो जिमिन होता है हम अपनी कार में बैठ जाते हैं, बिकॉज मीटिंग एक रेस्टोरेंट में होने वाली थी और वहाँ पर जो मेन कंपनी का CEO वो भी आने वाला था। तो उसे ना वो मिलने जा रहा था जिमिन, और उधर वो भी आएंगे वहीं पे, और उन्होंने फाइव स्टार होटल का जो VIP सेक्शन रूम है उसको बुक किया हुआ था। तो वहाँ पे ना जिमिन जाया था और काफ़ी अनॉयड भी हो रहा था कि आराम से जो कि ऑफिस में नहीं हो सकती थी ये क्या है कि वहाँ जाके जा रहा है। तो फिर ये सोच रहा था उसके साथ उसका ना जो सेक्रेटरी होता है वो बैठे होते हैं, सेक्रेटरी का दोस्त ऐसा होता है तो ना जिम होता है वो, और वो कहते हैं क्या हो तुम इधर ऑफिस में ना खींचे बैठे। तो फिर कहते कि ना ये एक सिंपल मीटिंग है तो ये ऑफिस में भी तो हो सकती है, रेस्टोरेंट में जाने की क्या ज़रूरत है। तो फिर जो जय होता है वो ना हल्के हल्का सा फिर कहते कि ना और तुम जो मीटिंग करते हो तुम्हारे तो और ड्रग्स मीटिंग होती है और बताइए क्या क्या हर तरह के होते हैं, तुम तो मोस्टली या तो दूसरी कंट्रीज़ में रखते हो या दूसरे सिटीज़ में या कहीं और, कभी बाहर में कभी कहाँ। तो फिर जो जीवन होता है वो ना उसकी तरफ ना ऐसे घूर के देखते हैं और कहते हैं तुम मेरे फ्रेंड है या फादर के उनके साइड ले रहे हो, और तुम्हें पता है हमारा वर्क इनलीगल है तो उसके लिए तो हमें सेफ्टी रखनी चाहिए ना। तो फिर जो जो पता वो ना आइस रोल करते कहते हाँ हाँ पता है मुझे, वैसे ना बोलता और फिर ना जीवन की तरफ देखे ना फिर से हंसने लग जाता, और जो जीवन होता है वो अनॉइड फेस बना लेते हैं। उसके बाद फिर ड्राइवर को ना कोल्ड वॉइस में बोलते जल्दी करो, तो फिर जो ड्राइवर होता है वो डर जाता है बिकॉज उसको पता था कि जो जीवन है सबको ही पता है कि जीवन कौन है, और जीवन मिस्टर पार्क का बेटा है और जो कि एक माफिया है सबको पता है माफिया किंग है, और सब उसे डरते भी हैं और कोई उसको कुछ किया नहीं पाता बिकॉज जो जीवन था वो जब भी काम करता था बहुत ही ज़्यादा सफाई से करता था और किसी को पता ही नहीं चलता था कि कोई किसी के पास सबूत ही नहीं थे कि जो जीवन है ये सारे काम करता है इनलीगल मोस्टली ड्रग्स डीलिंग वगैरह। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जीवन है वो पहुँच गया रेस्टोरेंट में एकदम अंदर जान रहा है, और फिर जी को कहते हैं कि ना इसको देख के लग रहा है जैसे इसको काफ़ी ज़्यादा जल्दी है।
तो फिर ना ये बोलता है, फिर ना कहते हैं कि ना पटाया, ये बोलता है फिर ना अंदर चले जाते हैं दोनों।